गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईवीएस ऑफ क्लास फोर्थ चैप्टर नंबर टू एंड एक्सटेंडेड फैमिली. एंड एक्सटेंडेड फैमिली मीन्स फैमिली का बढ़ना. एक्सटेंडेड मतलब क्या होता है? बढ़ना. सो नाउ वरना इज़ अ वेरी हैप्पी टूडे. वरना बहुत खुश है आज. हर फादर इज़ ऑल्सो हैप्पी. उसके पापा भी बहुत खुश हैं. There is a great excitement in her family. उसकी family में बहुत ज़्यादा excitement. Excitement मतलब उत्सुकता. बहुत ज़्यादा excitement है. Her mother has given birth to a baby boy. उसकी मम्मा ने एक baby boy को जन्म दिया है. वरना's grandparents, her father parents. Grandparents का मतलब होता है जो उसके पापा के parents हैं. Have come to stay with them to look after her mother. वहाँ पर रुकने के लिए आए हैं उसकी मम्मा और उसकी देखभाल के लिए वंदना की. Every member of the family is overjoyed to have a baby at home. और फैमिली का हर एक मेंबर बहुत खुश है. Overjoyed means खुश है बेबी के घर पे आने से. वंदना now has a brother. वंदना का एक ब्रदर है. She has named him Ravi. उसका नाम रवि है. He resembles her father and he smiles like her mother. उसकी जो resemble मतलब किसी के जैसा होना या किसी के जैसा दिखना. He resembles her father. वो अपने father के जैसी दिखती है. And smiles like her mother. और जो उसकी smile है उसकी मम्मा के जैसी दिखती है. Vandana loves her brother very much. वो अपने brother से बहुत प्यार करती है. शी हेल्प्स हर मदर एंड फादर इन लुकिंग आफ्टर हिम. वो अपने पापा और मम्मा का बहुत ध्यान रखती है. बहुत हेल्प करती है अपने भाई की देखभाल में. शी टेक्स हिम इन हर लैप. वो उसको लैप मतलब होता है गोदी. वो उसको गोदी में भी लेती है. शी हेल्प्स हिम चेंजिंग इन हिज क्लोथ्स. और वो उनकी हेल्प करती है उसके कपड़े चेंज करने में भी. किसके? अपने भाई के. नाउ वंदना हैज़ वन मोर फैमिली मेंबर. अब वंदना के पास एक और फैमिली मेंबर है. हर फैमिली कंसिस्ट ऑफ हर न्यू बॉर्न ब्रदर रवि. उसकी फैमिली में एक और नया बेबी आया है जिसका नाम है रवि. फादर मदर एंड ऑफ कोर्स वंदना हरसेल्फ. उसकी फैमिली में अब कौन कौन है? रवि, फादर, मदर एंड ऑफ कोर्स वंदना भी. वंदनास फैमिली इन इज़ अ स्मॉल फैमिली. वंदना की फैमिली स्मॉल फैमिली है. इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली. और न्यूक्लियर फैमिली स्मॉल फैमिली को और क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फैमिली. और ऐसे ही बड़ी फैमिली जो बिग फैमिली होती है उसको बोलते हैं जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली. ओके. इट इन कंट्रास्ट वंदनास मदर लिव्ड इन अ बिग फैमिली व्हेन शी वाज यंग. ऐसे ही जब वंदना की मदर छोटी थी, यंग थी, तो वो एक बिग फैमिली में रहती थी. शी हैड थ्री ब्रदर्स एंड टू सिस्टर. उनके थ्री ब्रदर्स और टू सिस्टर्स थे. शी लिव्ड विद हर रिलेटिव्स इन अ बिग हाउस कॉल्ड हवेली. वो अपने रिलेटिव्स मतलब होता है रिश्तेदार. वो अपने रिश्तेदार के साथ में बड़े से घर में रहती थी जिसको हवेली बोलते हैं. शी यूज़ टू प्ले टापू, हाइड एंड सीक, लंगड़ी टांग एंड सेवन टाइल्स विद हर ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड कजन्स. वो उनके साथ में टापू, हाइड एंड सीक मतलब छुपन छुपाई, लंगड़ी टांग और सेवन टाइल्स हर ब्रदर सिस्टर्स एंड कजन्स भाई बहन और कजन्स के साथ में खेलती थी. देखो आपको नीचे पिक्चर भी दे रखी है. स्टापू को इंग्लिश में बोलते हैं हॉप स्कॉच, हाइड एंड सीक छुपन छुपाई, सेवन टाइल्स. देन वंदनास ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन मुंबई विद हर अंकल्स. अंकल मतलब होता है चाचा. वंदना के ग्रैंड पेरेंट्स मुंबई में उसके चाचा के साथ में रहते थे. वंदना हैज़ टू अंकल्स, बोथ आर हर फादर्स यंगर ब्रदर. वंदना के दो चाचा थे जो कि दोनों फादर से उसके पापा से छोटे थे. यंगर मतलब होता है छोटा भाई. द एल्डर अंकल महेश इज मैरिड. जो एल्डर अंकल जो उसके बड़े चाचा थे वो
मैरिड थे, ही हैज़ अ सन एंड अ डॉटर, उनके एक बेटा और एक बेटी थे, दे आर वंदनास कज़न, जो अंकल के बच्चे होते हैं, चाचा चाची के बच्चे होते हैं, वो कौन होते हैं, कज़न्स, तो ऐसे ही वो वंदना के कौन हुए, कज़न्स। हर यंगर अंकल रमेश गॉट मैरिड रिसेंटली, और उसके जो यंगर अंकल थे रमेश, वो उनकी अभी हाल ही में मैरिज हुई थी। दे ऑल लिव टुगेदर इन अ बिग हाउस, वे सब एक बड़ी फैमिली में, बड़े से घर में रहते थे। देयर फैमिली इज अ जॉइंट फैमिली, उनकी फैमिली जॉइंट फैमिली थी। अ जॉइंट फैमिली इज़ अ बिग फैमिली, जॉइंट फैमिली बड़ी फैमिली होती है। व्हेन वंदनाज अंकल रमेश गॉट मैरिड इन दिल्ली, ऑल हर रिलेटिव्स केम टू अटेंड द वेडिंग, जब वंदना के अंकल रमेश की शादी दिल्ली में हुई तो उनके सारे रिलेटिव्स उनकी शादी में, शादी को अटेंड करने दिल्ली पहुँचे। मोस्ट ऑफ देम वोर न्यू ड्रेसेस, बहुत से उनमें से सब ज़्यादा लोगों ने नए कपड़े पहने थे। दे एट डिलीशियस फूड एंड रियली इन्जॉयड देमसेल्व्स, देमसेल्व्स मतलब होता है एक साथ, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट, और उन्होंने एक साथ स्वादिष्ट फूड, स्वादिष्ट खाना खाया और एक साथ बहुत इन्जॉय किया। दे वामली वेलकम द ब्राइड इन टू देयर फैमिली, वामली मतलब क्या होता है, हार्दिक, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्दिक पूर्वक अपनी न्यू ब्राइड, उनकी जो नई दुल्हन थी, ब्राइड मतलब दुल्हन, उसका स्वागत किया। देखो इसमें लास्ट पिक्चर में आपको टू पिक्चर्स आर ऑल्सो देयर, फर्स्ट इज़ मेहंदी सेरेमनी एंड सेकेंड वन इज़ वेडिंग एड्स अ न्यू मेम्बर टू द फैमिली, शादी में जब एक नया फैमिली मेम्बर आपके साथ में जुड़ता है। Then come on next, name the festivals which you enjoy with your family. During summer vacations, Vandana usually visit her cousins. Summer vacations में Vandana visit के लिए अपने cousins के पास में जाती थी, घूमने के लिए अपने cousins के घर में जाती थी। She really enjoys staying in their home and playing with them. वो बहुत enjoy करती थी वहाँ पर रहकर और खेलकर। वंदना रिमेन्स इन टच विद हर रिलेटिव्स बाय राइटिंग लेटर्स टू देम एंड सेंडिंग देम ईमेल्स, वंदना अपने रिलेटिव्स को उनके टच में कैसे रहती थी, लेटर्स लिखकर उनको ईमेल सेंड करती थी। ईमेल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो आजकल हम कंप्यूटर के थ्रू फ़ोन में जीमेल से सेंड करते हैं, वो होते हैं ईमेल्स। She also sends greeting cards on their birthdays and on other important occasions. वो उनको birthday पे उनके greeting cards, greeting cards का मतलब होता है अच्छे से उनको, greeting मतलब होता है शुभकामना, शुभकामना देती थी कि किसी का birthday होता था या किसी का, किसी की anniversary हो गई कि, या कोई और occasion होता था या कोई festival हो गया। She talks to them on telephone as well. वो उनसे फ़ोन पे भी बहुत अच्छे से बात करती थी। Family togethers bring family members closer to one another. Family get together bring, sorry, family get together bring family members closer to one another. फैमिली में जो गेट टुगेदर होता है, लोग आपस में मिलते जुलते हैं, वो फैमिली मेम्बर्स को बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास में ले आते हैं। दे स्ट्रेंथन द बॉन्ड्स बिटवीन आवर रिलेटिव्स एंड अस, वो एक बहुत ही मजबूत बॉन्ड बनाते हैं आप, हमारे और हमारे फैमिली मेम्बर्स के बीच में। सो वी आर डूइंग नाउ एक्सरसाइज, होप आपको सबको समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। So let's start exercise. We meet our relatives during examination, festivals, playtime. So हम अपने relatives से कब मिलते हैं? Festivals, exam में मिलते हैं? No. Festival में मिलते हैं ना, playtime में भी नहीं मिलते हैं। Next is, so answer is festivals. Next is, we keep in touch with our family through. हम अपनी family में किसके through टच में रह सकते हैं? टेलीफोन, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर। सो टेलीफोन के थ्रू हम उनसे टच में रह सकते हैं, टेलीविज़न के थ्रू नहीं रह सकते, न्यूज़पेपर के थ्रू नहीं रह सकते। सो आंसर इज टेलीफोन। अ फैमिली डैट कंसिस्ट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कज़न्स इज़ अ
फैमिली जो जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट और कजन्स होते हैं, कौन सी फैमिली होती है? स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, पेरेंट्स भी रहते हैं, चाचा चाची कजन्स भी रहते हैं, तो वो कौन सी फैमिली होती है? जॉइंट फैमिली। देन अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ, न्यूक्लियर फैमिली कैसी फैमिली होती है? स्मॉल फैमिली, बिग फैमिली और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली छोटी फैमिली होती है जिसमें फादर, मदर एंड चिल्ड्रन रहते हैं खाली, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर बी, सर्कल द ऑड वन इन ईच ग्रुप, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। सर्कल करना है जो ऑड है आपको, ठीक है। स्टापू, लंगड़ी टांग, बर्थडे, सेवन टाइल्स। स्टापू, लंगड़ी टांग, बर्थडे, सेवन टाइल्स आर प्ले, ये गेम्स है ना, और इसमें अलग क्या है? बर्थडे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फादर, मदर, ब्रदर, टीचर। फादर, मदर, ब्रदर ये आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं, टीचर अलग होता है ना, ऑड वन हो गया टीचर, सो सर्कल ऑन टीचर। नेक्स्ट इज अ स्मॉल फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश। स्मॉल फैमिली को और क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर फैमिली। वी सेंड डैश टू अवर रिलेटिव्स ऑन देयर बर्थडे। हम अपने रिलेटिव्स को उनके बर्थडे पे क्या सेंड करते हैं? ग्रीटिंग कार्ड्स। देन रमेश इज वंदनाज अंकल, हिज चिल्ड्रन आर वंदनाज कजन। रमेश वंदना के अंकल हैं और उनके बच्चे कौन हुए? वंदना के कजन्स। फैमिली गेट टुगेदर ब्रिंग डैश मेंबर्स क्लोजर टू वन अनदर। फैमिली में जो गेट टुगेदर ब्रिंग होता है, मतलब गेट टुगेदर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो फैमिली मेंबर्स को क्या करता है? और क्लोज लेके आता है। डैश ब्रिंग फैमिली मेंबर्स टुगेदर, फैमिली मेंबर्स को और पास क्या लेके आते हैं? फेस्टिवल्स। आप यहाँ पर फेस्टिवल भी लिख सकते हो, वेडिंग भी लिख सकते हो, ओके। सो आप नेक्स्ट इज सी, डी इज लुक एट द पिक्चर्स एंड नेम द ओकेजन्स। हम इसमें पिक्चर बतानी है आपको कि ये पिक्चर किस चीज़ की है। फर्स्ट में क्या हो रहा है? शादी हो रही है ना, सो राइट वेडिंग, वेडिंग शादी को क्या बोलते हैं? वेडिंग। नेक्स्ट इज यहाँ पर सेकंड पिक्चर में मेहंदी लगा रहे, तो नेक्स्ट इज मेहंदी सेरेमनी, मेहंदी सेरेमनी। थर्ड पिक्चर में न्यू बॉर्न बेबी हुआ है, तो अ न्यू बॉर्न बेबी, अ न्यू बॉर्न बेबी। सो दिस चैप्टर वी आर डूइंग इन नोटबुक। हैव अ गुड हैंड राइटिंग, राइट डाउन नेम, फादर्स नेम, डेट, चैप्टर टू एंड एक्सटेंडेड फैमिली। हार्ड वर्ड्स, फर्स्ट इज हार्ड वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब उत्सुक। रिसेम्बल, रिसेम्बल मतलब किसी के जैसा दिखना। वेडिंग, वेडिंग मतलब सबको पता है शादी। रिसेंटली, रिसेंटली मतलब हाल ही में। वैकेशंस, वैकेशंस मतलब छुट्टियाँ। फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स मतलब त्योहार। स्ट्रेंथन, एट वर्ड इज स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मीन्स ताकतवर। नाइन वर्ड इज डिलीशियस, डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। टेलीफोन, टेलीफोन, टेलीफोन मतलब सबको पता है फोन। कजन्स, कजन्स मतलब जो चाचा चाची के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं कजन्स। ओकेजन्स, ओकेजन्स मतलब कोई भी स्पेशल इवेंट या कोई भी स्पेशल जो आपके घर में धार्मिक कार्य होते हैं या इवेंट होता है, कोई भी स्पेशल ऑर्गेनाइज होती है पार्टी, उसको बोलते हैं ओकेजन। नेक्स्ट इज, नेक्स्ट पेज चैप्टर नंबर टू एंड एक्सटेंडेड फैमिली, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। गिव, गिव का फर्स्ट फॉर्म, गिव मतलब होता है देना। सेकेंड फॉर्म इज गेव, थर्ड फॉर्म इज गिवन, गिव गेव गिवन। सेकेंड नंबर टेक, टेक मतलब लेना। टेक फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म इज टुक एंड थर्ड फॉर्म इज टेकन। सो नाउ थर्ड नंबर लिव,
live, live. Live is first form, second form is lived, and third form also lived. Now fourth number, come. Come means aana. Second is came. Second form is came, and third form is also a come. Now fifth, eat. Eat, ate, eaten. A-T-E, ate. Okay, ate, eaten. Next is get. Sixth number is get. Get matlab kisi bhi cheez ko pana. Get, got, gotten. Seventh number, enjoy. Enjoyed, enjoyed. Send, S-E-N-D, sent. Send ka kya hota hai? Sent. D hata ke T lag jata hai. S-E-N-T, sent. S-E-N-T, sent. वेलकम. वेलकम का मतलब होता है किसी का आदर करना, या किसी का जब कोई हमारे घर में आता है तो हम उसको वेलकम करते हैं. तो वेलकम, वेलकम्ड, वेलकम्ड. इसमें खाली आप में डी लग जाता है. नेक्स्ट इज हैव. हैव का हैड, हैड. नाउ वी आर डूइंग वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर नंबर 2 एंड एक्सटेंडेड फैमिली. फर्स्ट इज एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग एक्साइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना, उत्तेजना. ओके, नेक्स्ट इज ग्रीटिंग. ग्रीटिंग क्या होता है? अभिवादन शब्द होता है, फर्स्ट वर्ड होता है ये. जैसे हम बोलते हैं ना, ग्रीटिंग ऑफ द डे, आज का अभिवादन शब्द. द फर्स्ट वर्ड यू से व्हेन यू मीट समबडी टू राइट टू हिम. जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उससे पहले अभिवादन शब्द यूज़ करते हैं, जैसे हेलो, हाय. तो ये सब कौन से वर्ड्स होते हैं? ग्रीटिंग वर्ड्स. या फिर जब हम किसी को लेटर लिखते हैं तो हम उनको बोलते हैं ना, लेटर में फर्स्ट वर्ड नमस्ते, आप सभी कुशल पूर्वक होंगे, तो ये होता है ग्रीटिंग्स. रिसेंटली, रिसेंटली मतलब नॉट लॉन्ग एगो, मतलब बहुत पुराना नहीं, हाल ही में. नेक्स्ट इज डिलीशियस. डिलीशियस मीन्स having a very pleasant taste, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा taste होना, स्वादिष्ट. Relatives, relatives means a member of your family, आपके परिवार के सदस्य. Warmly means with great enthusiasm. Enthusiasm मतलब बहुत खुशी से, हार्दिक पूर्वक. Resemble, to be look like somebody, किसी भी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के जैसा दिख. नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन. स्ट्रेंथन मीन्स टू बिकम स्ट्रोंगर. स्ट्रेंथन मीन्स टू बिकम स्ट्रोंगर, ताकतवर बनाना. ओवरजॉयड. ओवरजॉयड मीन्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश. ओकेजन. ओकेजन मीन्स सेरेमनी या स्पेशल इवेंट, कोई विशेष कार्यक्रम. सो नाउ वी आर डूइंग वेरी शॉर्ट आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. दिस चैप्टर फर्स्ट इज नेम एंड ओकेजन ऑन विच वी मीट अवर रिलेटिव्स. आप किसी ओकेजन का नाम लिखो जिसमें आप अपने रिलेटिव से मिलते हो. सो वी मीट अवर रिलेटिव्स ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज, जैसे कि बर्थडेज, मैरिजेज, वेडिंग्स, फेस्टिवल और स्मॉल फैमिली गेट टूगेदर. कैसे, कब मिलते हैं हम अपने रिलेटिव से? कोई भी स्पेशल ओकेजन होता है, जैसे कि बर्थडे, मैरिज, शादी, त्यौहार, या कोई भी स्मॉल छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर रखते हैं कोई भी. नेक्स्ट इज नेम टू फेस्टिवल्स यू लाइक टू सेलिब्रेट द मोस्ट. होली एंड दिवाली आर द टू फेस्टिवल आई लाइक टू सेलिब्रेट द मोस्ट. होली और दिवाली दो फेस्टिवल हैं जो सबसे ज़्यादा सेलिब्रेट करने में मज़ा आता है या पसंद है. सो नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. What is joint family? Joint family क्या होती है? A joint family is a form of family where the grandparents, father, mother and children live unitedly under one roof. मतलब जहाँ पर parents, father, grandparents, दादा, दादी, पापा, मम्मा, children, बच्चे और सब प्यार से एक ही छत के नीचे रहते हैं, उसको बोलते हैं joint family. Next is name any four games you like to play at home.
The four games I like to play at home are hide and seek, ludo, carom, hopscotch. आप बेटा यहाँ पर कोई से भी four लिख सकते हो, वॉट एवर यू आर लाइक, ओके, जो भी आपको पसंद है, वॉट एवर यू आर लाइक यू कैन राइट. सो नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर टू, एन एक्सटेंडेड फैमिली. सो वी आर डूइंग लॉन्ग आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. हाउ डू वी रिमेन इन टच विद अवर रिलेटिव्स, हम अपने रिलेटिव्स के टच में कैसे रह सकते हैं. वी रिमेन इन टच विद अवर रिलेटिव्स बाय राइटिंग लेटर्स टू दैम, सेंडिंग दैम ईमेल्स, सेंड दैम ग्रीटिंग कार्ड्स ऑन देयर बर्थडेज एंड ऑन अदर इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स एंड टॉक्स टू दैम ऑन टेलीफोन एज वेल. मतलब क्या हुआ इसका, हम उनको कैसे उनके साथ में टच में रह सकते हैं रिलेटिव्स के, उनको लेटर लिख के, उनको ईमेल सेंड करके, सेंड देम ग्रीटिंग कार्ड्स, उनको ग्रीटिंग कार्ड सेंड करके ऑन देयर बर्थडेज, उनके बर्थडेज पे या किसी और स्पेशल ओकेज़न पर, और उनसे टेलीफोनिक बात करके, मतलब फ़ोन पर बात करके. सो नेक्स्ट इज हाउ कैन वी स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन अवर रिलेटिव्स एंड अस, हम अपने रिलेटिव्स के बीच में अपनी एक ताकतवर बॉन्ड कैसे बना सकते हैं. सो वी कैन स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन अवर रिलेटिव्स एंड अस बाय फॉलोइंग वेज, हम इन सब तरीकों से बना सकते हैं. सो लेट्स सी, ईट मील्स टुगेदर. ईट मील्स टुगेदर का मतलब एक साथ खाना खा के, प्लान स्मॉल वैकेशंस टुगेदर, एक साथ किसी भी जगह पर जाकर छोटी सी छुट्टियां दो चार दिन के लिए जाकर एक साथ सब लोग घूम आए जाकर, ये हो सकता है. हैव फैमिली मीटिंग्स, फैमिली मीटिंग्स कर सकते हैं हम. फॉरगिव एंड लेट्स गो, मतलब अगर आपको किसी की कोई भी बात बुरी लग जाए तो उसको बुरा नहीं मानना, जाने दो. लेट्स गो मतलब जाने दो. लव ऑल ऑफ देम, हर किसी से प्यार करो. सो नाउ योर चैप्टर इज एंडिंग. होप आपको सबको समझ में आया होगा ये चैप्टर. आपको ये सब आपकी फेयर नोटबुक में अच्छी राइटिंग में करना है, ओके.